गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास टू एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ईवीएस बुक। आई होप दैट यू ऑल हैव दिस बुक। आप सबके पास ये बुक होगी, अगर नहीं है तो आप लोग इस वीडियो से अच्छे से समझेंगे, इसमें अच्छे से ध्यान देंगे और इसी वीडियो से अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। माई बॉडी, आप उसको छू भी नहीं सकते हो और ना देख सकते हो इंटरनल ऑर्गेन्स को। इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। सनी एंड अदिति वेयर सिटिंग एट द टेबल फॉर लंच। सनी और अदिति जो थे वो टेबल में लंच के लिए खाने के लिए बैठे थे टेबल पे। दे वेयर एन्जॉइंग सम पिज्जाज प्रिपेयर्ड बाय सनीज मॉम। सनी की मॉम जो है वो पिज्ज़ा बनाई थी, तो वो लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। स्नोवी टू वॉज गिवेन अ पीस ऑफ इट टू टेस्ट। स्नोवी को भी एक पीस टुकड़ा मिला टेस्ट करने के लिए। स्नोवी कौन था? कुत्ता था, कुत्ता का नाम स्नोवी था। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल द फूड दैट वी ईट गोज टू। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसा आश्चर्य हुआ आपको कि फूड जो आप खाते हो वो कहाँ जाता है? द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टोमक। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टोमक में, हमारे पेट के अंदर जाता है। द स्टोमक चेंजेस द फूड इन टू अ लिक्विड फॉर्म। और जो पेट में स्टोमक जो है, हमारे स्टोमक, पहले तो फूड हमारा खाना जो है वो स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक चेंजेस द फूड। स्टोमक जो है वो हमारे खाने को किस में चेंज कर देता है, किस में बदल देता है? लिक्विड फॉर्म में, मतलब पानी के जैसा लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। दिस हेल्प्स अस गेट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फूड वी ईट। ये जो है मदद करता है ताकि हमें एनर्जी हो, हमें ताकत मिले और शक्ति मिले, ताकत और शक्ति मिले। एनर्जी मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। तो ये जो है, जो लिक्विड फॉर्म प्रोड्यूस, लिक्विड फॉर्म में बदल देता है जो, तो वो हमें, ये हमें मदद करता है, हमें ताकत देता है और स्ट्रेंथ, शक्ति देता है फ्रॉम द फूड वी ईट। द स्टोमक इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इनसाइड अस। स्टोमक बॉडी का ऐसा अंग है जो बॉडी के हमारे अंदर रहता है, दैट इज इनसाइड अस, हमारे अंदर रहता है। इट इज एन इंटरनल ऑर्गेन। ये इंटरनल ऑर्गेन है क्योंकि अंदर रहता है, तो जो भी शरीर के अंदर रहता है वो क्या होता है? इंटरनल ऑर्गेन्स। और जो शरीर के बाहर रहता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। गिवन बिलो आर अदर इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। कुछ और इंटरनल ऑर्गेन्स है शरीर के, क्या क्या है? सी हियर, व्हाट इज दिस? ब्रेन, दिमाग। आप अपने ब्रेन से, आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से, दिमाग यूज करके बहुत कुछ करते हो। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ब्रेन सबके पास रहती है, बस उसको आपको यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। आई एम द ब्रेन, आई लाई इनसाइड द हेड एंड हेल्प यू थिंक। ब्रेन बोल रहा है, मैं ब्रेन हूँ। आई लाई इनसाइड द हेड, मैं हेड के अंदर रहता हूँ और आपकी मदद करता हूँ, सोचने की क्षमता बढ़ाता हूँ। हेल्प यू थिंक। वॉट इज दिस? हर्ट। हर्ट मीन्स जो दिल रहता है, दिल, चेस्ट, लेफ्ट साइड, चेस्ट के, आपके छाती के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, आपके छाती के लेफ्ट साइड में क्या रहता है? हर्ट, दिल रहता है। आई पंप एंड सेंड ब्लड टू द होल बॉडी। आपके छाती के, चेस्ट के लेफ्ट साइड में हर्ट रहता है, दिल अंदर हर्ट रहता है, वो जो है दबाव डालता है, पंप करता है और सेंड ब्लड टू द होल बॉडी, आपके पूरे शरीर में ब्लड फैलाता है। एंड सेंड ब्लड टू द होल बॉडी, आपके पूरे शरीर में
ब्लड को भेजता है ताकि वो दबाव डाल के हार्ट जो है वो धक 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 करता है, पंप करता है, दबाव डालता है और जो ब्लड है, खून जो है, खून को पूरे बॉडी में सेंड करता है, पूरे बॉडी में भेजता है। देन दिस वन, व्हाट इज दिस? लंग्स मींस फेफड़े। वी आर द लंग्स, हम लंग्स हैं। वी हेल्प द बॉडी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम शरीर में हम मदद करते हैं ताकि आप ऑक्सीजन ब्रीथ, आप सांस ले सके ऑक्सीजन में। वी हेल्प द बॉडी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस? आई एम लीवर, लीवर। आई एम द लीवर मींस जिगर। आई एम द लीवर, आई क्लीन योर ब्लड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। लीवर का काम क्या है कि वो ब्लड को क्लीन करता है, साफ करता है, खून को साफ करता है और डाइजेशन और जो आप खाते हो कुछ भी तो उसको पचाने में मदद करता है लीवर। आप ब्लड को, खून को साफ करता है और पचाने में मदद करता है। व्हाट इज दिस? किडनी। आई एम द किडनी, आई हेल्प रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। मैं किडनी हूँ। किडनी का काम क्या है कि वो आपके बॉडी से, आपके शरीर से जो वेस्ट होते हैं, जो गंदे गंदे मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करता है, हटाता है, गंदे चीज को वो हटाता है आपके बॉडी से। कौन? किडनी का काम है ये। सो आपने अभी आज इंटरनल ऑर्गन्स पढ़े हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है? जो शरीर के अंदर रहता है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है? जो शरीर के बाहर रहता है। यहाँ आ जाओ आप लोग। टेक आउट योर कॉपी एंड राइट दिस। माई बॉडी फर्स्ट। इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स की क्या डेफिनेशन है? इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर इनसाइड, जो अंदर रहते हैं एंड कैन नॉट बी सीन बाय अस, और जो हम देख नहीं सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट ओनली, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे अंग हैं शरीर के विच आर आउटसाइड, जो बाहर रहते हैं एंड कैन बी सीन, और उसे हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो पहले आप इंटरनल ऑर्गन्स लिखोगे कॉपी में, फिर सेकेंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, देन राइट दिस होमवर्क। आपको ये सब होमवर्क करना है। ये क्या है होमवर्क में? ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ 5 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो नेम इट। इंटरनल ऑर्गन्स आपको ड्रॉ करना है। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आ गए, जैसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ब्रेन। ब्रेन जो है हमारे शरीर के अंदर रहता है ना, तो हम ब्रेन लिख देंगे, ब्रेन, और यहाँ ब्रेन का डायग्राम बना देंगे। ये हम ब्रेन का डायग्राम बना देंगे और ब्रेन लिख देंगे। फिर सेकेंड, ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में करना है। सेकेंड इंटरनल ऑर्गन्स जो भी होता है वो आप लिखोगे। हर्ट मींस दिल। फिर हर्ट का डायग्राम बना दोगे, ये हर्ट है ना। फिर ये क्या है? लंग्स। लंग्स बना दोगे यहाँ पर और लंग्स लिख दोगे। फिर फोर्थ में, फोर्थ और क्या है इंटरनल ऑर्गन्स? ब्रेन, हर्ट, लंग्स, किडनी भी होता है और लीवर भी होता है। किडनी, यहाँ आप किडनी, यहाँ लीवर। तो 5 एक्स इंटरनल ऑर्गन्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट एंड लीवर। ओके, देन सेकेंड, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो नेम इट। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स जो शरीर के बाहर रहता है,
जैसे कि नोज, यहाँ आपको नोज लिखना है और नोज बनाना है। फिर सेकंड आईज, आईज बनाना है। थर्ड ईयर्स, ईयर्स बनाना है। फिर क्या होता है, लेग, लेग बनाना है। फिर और क्या होता है, फीट, पैर का पंजा, वो बना सकते हो। और भी बहुत सारा चीज़ बना सकते हो आप, जो शरीर के बाहर होता है, जो हमें दिखाई देता है। लिप्स, लिप्स, फिंगर्स, लिप्स, ये सबको हम देख सकते हैं। जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपकी ये होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको मैं ये फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज दूँगी, तो आप लोग ये होमवर्क कर लेना। ये वीडियो में आप होमवर्क देख लो, अभी मैं फ़ोटो खींच के ग्रुप में भी भेज दूँगी। ऐसे ही आप लोग को करना है, ऐसे ही बना बना के करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन एक्सटर्नल ऑर्गन्स का ये लिखना है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसके पहले, होमवर्क से पहले ये आपको लिखना है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही।